नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से। अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में चल रहे स्तन कैंसर जागरूकता अभियान के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया। भोपाल के अनेक वरिष्ठ कैंसर विशेषज्ञ कार्यशाला में मौजूद रहे। इस अवसर पर मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों ने कैंसर पर आधारित नाटक का मंचन किया। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कैंसर विशेषज्ञों ने महिलाओं को होने वाले स्तन कैंसर के बारे में बारीकी से जानकारी भी दी और उनसे बचने के उपाय के बारे में भी बताया। कार्यशाला के दौरान बताया कि किन किन लक्षणों से महिलाओं को स्तन में कैंसर होता है। कार्यशाला के दौरान और भी कई बिंदुओं पर कैंसर विशेषज्ञों ने अपने विचार प्रकट किए। इंडिया खबर लाइव के लिए विदिशा से एलएन चौबे की रिपोर्ट। टेस्ट अवेयरनेस कैंपेन प्रिवेंशन और क्योरनेस, मतलब उसका अर्ली डायग्नोसिस और उसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों में कम्युनिटी में जो है नुक्कड़ नाटक, एक डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में जो है कैंप का आयोजन और इसके उपरांत जो है चिकित्सा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के चिकित्सक, मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक और विद्यार्थियों के लिए जो है वो विभिन्न तरह के लेक्चर कि कैसे अपन अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं, इसके प्रिवेंशन के लिए क्या करना चाहिए, सर्जरी क्या क्या होती है और रेडियोथेरेपी में किस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता है, इस तरह के कार्यक्रम हम जो है इस पूरे महीने में आयोजित करेंगे। इसमें मैं चाहूँगा कि विदिशा की जनता, आसपास के जो अर्बन और रूरल दोनों एरिया में जो है लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा है, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी में इसका प्रचार प्रसार करने की कोशिश करेंगे और इसको रोकथाम। वर्तमान में जो है वो ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क जो है इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि एक तो महिलाओं में ओबेसिटी, मोटापा थोड़ी सी रिस्क बढ़ जाती है और अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होती है तो भी जो है ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क, तो इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग भी कीजिए और एक्सरसाइज कीजिए और मोटापा जो है वो जैसे ओबेसिटी जो है उसको कम कीजिए तो इसके रिस्क जो है कम, इसके जाके उसकी जांच करवाएं तो अर्ली डायग्नोसिस होगी, ट्रीटमेंट होगा और इसका ट्रीटमेंट बहुत आसान है और विदिशा मेडिकल कॉलेज में भी इसका ट्रीटमेंट, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हम लोगों के साथ एसोसिएट है उसमें भी इसका ट्रीटमेंट उपलब्ध है।